केप टाउन कैसा लगा? अच्छा लगा. Oops, God bless you. Thank you. वो माँ बीच पर भागते भागते मेरा पैर फिसल गया. अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल लो. जी. टिया सच कह रही है वो. कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे. मैंने तुम्हारे साथ रहना मंजूर किया तो सिर्फ अंशु और टिया को साथ रखने के लिए. मेरी बेटी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे बहकाने की कोशिश मत करना तुम. लेकिन माँ जी. माँ कहने का हक मैंने सिर्फ राज को दिया था. तुम उसकी जगह लेने की कोशिश कभी मत करना, ना मेरी जिंदगी में ना टिया की जिंदगी में. Excuse me, sir. Your meeting with the External Affairs Minister is today at... I told you to cancel all my meetings for today. But sir, the meeting is important. God damn it! I told you to cancel all my meetings for today! I'm sorry, sir. Linda. I'm sorry. It's okay. बाप फोन नहीं करता और बेटा लाड करता है. आओ ना माँ. कितना प्यारा है ना अंशु. आपको पसंद है? बहुत पसंद है. मुझे भी. और बाकी सब? बाकी सब स्वामी जी. और जय. क्या बात है माँ, आप जय के बारे में कभी बात नहीं करती? उसके साथ मेरा हंसना बोलना आपको अच्छा नहीं लगता? हर रिश्ते की एक सीमा होती है टिया. लेकिन दिल के रिश्ते की कोई सीमा नहीं होती माँ. इसलिए सब कुछ खोकर भी मुझे तुम जैसी माँ मिली, अंशु जैसा बेटा और जय जैसा दोस्त. वैसे जय ने अपनी सीमा बांध रखी है माँ. अगर वो अपनी मर्यादा में रहे उसमें सबकी भलाई है. जिस लड़की को मैं तेरी बहू बनाना चाहता था आज वो तेरे घर में है माँ. लेकिन आज भी मैं उसे तेरी बहू नहीं बना सकता. मेरे नसीब में सिर्फ टिया का साथ है माँ. सिर्फ साथ, उसका प्यार नहीं. सोचा कि तुम मुझे सरप्राइज दोगे लेकिन ये मौका मुझे मिल गया है ना. अब एक सरप्राइज और भी है. आओ ना. टन टन अ कोजी कैंडललाइट डिनर फॉर टू. आपका जैकेट सर. बैग अब वही साइड पर रख सकते हैं. और रही बात खाने की, तो शेफ टिया ने यानी कि मैंने आपका मनपसंद खाना खुद अपने हाथों से बनाया है. तुम्हें कैसे पता ये सब मेरा मनपसंद खाना है? जब दिल से दिल की राह मिलती है तो एक दूसरे की पसंद नापसंद सब पता चलता है. जैसे तुमने जाना कि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है. जय, चलो आज हम दोनों एक विश मांगते हैं. विश?
शायद ये वो लम्हा हो जो हमारी जिंदगी में रोशनी भर दे। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा? आंखें बंद कर लो एंड मेक द विश, कम ऑन, चलो। ओके टिया, चाहता है तू? हाँ? आखिर चाहता क्या है? मेरी यादें तो छीन ली तूने, मैंने कोई शिकायत नहीं की, ये सोचकर कि तू जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन लेकिन जय को मुझसे दूर क्यों कर रहा है तू? उसके दिल में मेरे लिए प्यार क्यों नहीं जगाता? शिकायत करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हर ठोकर को आगे बढ़ने की सीढ़ी बनानी चाहिए, इरादे और मजबूत हो जाते हैं, न मिलने वाली चीज भी मिल जाती है। ये सब कहने की बातें हैं, तसल्ली देने के लिए ठीक है, पर इनका कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है बेटी। बेटी? पर आप है कौन और इस घर में कैसे घुसे? दरवाजे से आए। दरवाजे से? हाँ। मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप इस घर में क्या कर रहे हैं? मैं मिस्टर जय से मिलने आया हूँ। आप जानते हैं उसे? नाम सुना है, बिजनेस नहीं किया है आपने? हाँ, करना भी नहीं, लड़की की इज्जत नहीं करता, बिजनेस क्या खा करेगा वो? ओह रियली? हाँ, आजकल उसका दिमाग काम पर बिल्कुल नहीं लगता, सारा कारोबार चौपट करेगा, फुटपाथ पर ले आएगा बुड्ढे को। बुड्ढा? हाँ, अपने डैड को। ओ, ओ, बाप बुड्ढा। अच्छा वो तुमने अंदर की बात बता दी। इट्स ओके। मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ क्या? हाँ? माने अभी अभी जो तुमने प्रॉब्लम की बात की ना वो? हाँ, वो बदकिस्मती से प्यार कर बैठी उससे, वही जैसे। रियली? लेकिन वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, उल्लू का पट्टा। नालायक साला, बाप को गाली खिला रहा है। किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? मैंने ऐसा सुना है कि जय मेहता इज ए प्लेबॉय। क्या कहा? या इज ए प्लेबॉय, बिग टाइम प्लेबॉय, वुमनाइजर। उठिए, उठिए, कम ऑन। क्या हुआ? आप जय को जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उसकी बुराई शुरू कर दी आपने, कम ऑन, निकल जाइए। ये तो कमाल हो गया, माने मैंने कहा तो बुराई हो गई, और अभी अभी जय के बारे में जो कह रही थी वो क्या उसके भजन गा रही थी? मैं अभी जाकर मिस्टर जय मेहता को बताता हूँ कि उसके घर में ये कैसे कैसे लोग रहते हैं। हा? मिस्टर जय। अरे आप होते कौन है हमारे घर के मामले में पढ़ने वाले? मैं कौन? हा? मैं ही वो उल्लू हूँ और वो पट्टा मेरा है। आप उसके बाप? बाप, बाप है। स्वामी ने कहा कि आप आ गए। हाय मिस्टर डैड। या मी टू। सो गुड यू केम। अरे आप तो होटल की एनिवर्सरी पे नहीं आने वाले थे, वरना मैं होटल की एनिवर्सरी तो एक बहाना है यार। आई वाज मिसिंग यू मिस्टर डैड। मी टू। एक बात बताओ बेटी, तुम्हें पूरा यकीन है कि जय तुमसे प्यार नहीं करता? बिल्कुल, उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग हैं, अंशु और उसकी माँ। बिल्कुल ठीक कहती हो बेटी, लेकिन एक बार जो चला जाए कभी वापस तो नहीं आता ना? नहीं। तो जय को भी अपनी जिंदगी फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए ना? यस, करनी चाहिए। आखिर एक हादसा जिंदगी से बड़ा तो नहीं होता? होता है, कभी कभी हादसा इतना बड़ा होता है कि उसके सामने जिंदगी बहुत छोटी हो जाती है। एक बात कहूं, हादसों के सफर से गुजर कर भी जिंदगी तो चलती ही रहती है। बिल्कुल करेक्ट, गुजरा हुआ कल बीत चुका है, उसे बदल तो नहीं सकते ना? ठीक कह रही, बीता हुआ कल तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो गुजर गया है उसे भूल जाने में ही भलाई है। अंशु के खाने का वक्त हो गया है,
मैं देखती हूँ। बेटी, कोई कुछ भी कहे, मैंने तुम्हें बहू एक्सेप्ट कर लिया है। अब जय का दिल जीतने के लिए तुम जो भी करोगी उसमें मेरा साथ रहेगा। ओके, सुन, कल हमारी होटल की एनिवर्सरी की पार्टी है। ओके। आई नो, प्यार का जवाब जब बेरुखी से मिले तो कैसा लगता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जय सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मेरा मतलब है कि जय सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगा। यू नो, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि अगले 24 घंटे में जय तुम्हें मेरी बहू बनाने का प्रॉमिस करे। प्रॉमिस करेगा वो? वो आपसे बहुत प्यार करता है ना? हाँ, तो? 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 ए, तो? Hi. Hello, sir. Could you sign these documents? These papers are to be dispatched to Greece. Hello, Tia. तुम रो क्यों रही हो? जय, तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक हो गया है। What? तुम जल्दी से घर आ जाओ। He's very serious. बेटी, ये कपड़े बराबर है ना मरने के लिए? वो बात कर रही है। अब जब मरना है तो उसमें कपड़े क्या देखने? मैं कॉस्ट्यूम के बारे में। जय ऑफिस से निकल चुका है, आप जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए। चल 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 चल। या मैं अभी एकदम नर्वस हो गया हूँ, कहीं मुझे सचमुच हार्ट अटैक ना आ जाए। अगर आ भी गया ना तो हम संभाल लेंगे। आप क्यों? सारा गेम आपके हाथ में है। अंकल जी, आपको लाइन से याद है ना? कमान कमान कमान। बेटे नहीं, गलत है, हार्ट इधर है। बेटे जय, तुम्हारे मर जाने के बाद में डाला तो बराबर बोलिए ना। क्या हुआ? डेथ सीन आपका है, जय का तो नहीं ना। बोलिए जय। बेटे, मेरे मर जाने के बाद। शाबाश। ओके, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। ओके जय बेटे, मेरे मर जाने के बाद में तुम नया घर खरीद लेना। नया घर बना लेना। बना लेना नहीं, बसा लेना। बसा लेना, बसा लेना। ये फंसाएगी बेटी। अच्छा, बसा लेना। ये रोल मैं कर लूं, मुझे सारी लाइनें याद है। ये लो, दूसरा एक्टर रेडी हो गया। लेकिन स्वामी जी, ये ओरिजिनल ड्रामा है, बात तो नहीं बदल सकते ना? बिल्कुल नहीं बदल सकते जी। बुरा मत मानिए, एक बात कहूं, आप बहुत ही बेकार एक्टर हैं। लाइंस याद नहीं रख सकते? लाइंस? दर्द लाइए ना, दर्द। दर्द में ला रहा हूँ बेटे, यहाँ कस के पकड़ रहा हूँ, फिर भी दर्द नहीं आ रहा। अंदर से लाइए ना। अंदर से? ओके, कहाँ जा रहे हो? तो कहना अंदर से लेके आओ। अंदर का मतलब अंदर से फीलिंग लाइए। अंदर, अंदर से फीलिंग। अरे जय साहब आ गए, जय साहब आ गए। आ गया? देख बेटा, मुझे हार्ट अटैक आया है, देख। अंदर ना, अंदर। क्या हुआ डैड? सर, ऊपर आपके रूम में। गंगा जल ले लीजिए। डैड, स्वामी क्या हुआ? जा रहे हूँ। टिया, तुमने किसी डॉक्टर को फोन किया? डॉक्टर, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं किया। मैं यही हूँ डैड। ये सब क्या हो गया? हार्ट अटैक। लेकिन आप तो अच्छा ख्याल रखते थे अपने आप का। ये सब? अंकल जी, आपको जो कुछ कहना है जल्दी कहिए, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आए आए आए, हाँ हाँ, हम आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकते। जय बेटे, मैं आज जो तुझसे कहूंगा करना पड़ेगा। हाँ, करूंगा डैड। वादा करो जय, मेरे मरने के बाद। कहते रहिए, रुकिए मत, मन हल्का हो जाएगा। अरे कह दीजिए। मेरे मरने के बाद जय, तुम अपना घर बना लेना। लेकिन? बसा लेना, बसा लेना। लेकिन डैड? ना मत कहना जय बाबा। तूने मुझसे वादा किया है, मैं जो कहूंगा वो करेगा जय। अंशु की परवरिश के लिए भी तो माँ चाहिए। मैं चाहता हूँ तू टिया के साथ अपना घर बसा ले। जी मैं? अंशु तुम्हें मासी माँ नहीं, माँ कहकर पुकारेगा, माँ। जी आप कहते हैं तो अंशु की खातिर मैं। देख, टिया ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। तू
अंशु भी कितना खुश है इस फैसले से। बेटा वादा कर कि तू टिया से ही शादी करेगा, वादा कर। लेकिन डैड आप जानते हैं कि डैड अटक गए, सेजी की सांस अटक गई है। हाँ कह दीजिए जय बाबा। मैं वादा करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे क्या आगे भर भर के देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फिट फिट। तो ये हार्ट अटैक? अरे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। अरे तुमसे वादा लेना था कि तू टिया से प्यार करता है और उससे शादी करेगा, और तू बोल दिया। यस, टाटा टाटा टाटा, कांग्रेचुलेशन जय बाबा, कांग्रेचुलेशन। शट अप स्वामी, मौत का कोई मजाक बनाता है? शायद भूल गए हैं कि टिया राज के बच्चे की मां है। शायद आप ये भी भूल गए हैं कि टिया को इस हालत में पहुंचाने वाला आपका बेटा है। और शायद आप ये भी भूल गए हैं कि टिया एक झूठ को जी रही है। जिस दिन सच उसके सामने आएगा, उस दिन वो आपसे और आपके बेटे से नफरत करने लगेगी। सब कुछ भूल गए हैं आप, ठीक है, पर ये मत भूलिए कि टिया की मां भी जिंदा है। अच्छा होगा कि आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को याद रखें, मेरी बेटी और नाती के भविष्य को मुझ पर छोड़ दें। देखिए, जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आप अगर जय को माफ कर, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आपकी बेटी और अंशु की जिंदगी का कोई भी फैसला करने से पहले आप इन पैकेट्स को खोलकर देख लीजिएगा। उसके बाद अब जो भी फैसला करेंगी मैं उसकी इज्जत करूंगा। नमस्ते। आजा अपनी मासी माँ के पास। टिया, टिया कल रात जय के पिता तेरा हाथ मांगने आए थे, मैंने हाँ कर दी। कल रात तक तो अपना कह रही थी, आज अचानक? कल तेरी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही कि दिल के रिश्ते की कोई सीमा नहीं होती,
मैं अंशु के बिना जी नहीं सकती, अंशु तेरे बिना जी नहीं सकता, और तू जय के बिना। इसलिए बेटी मैंने रिश्ता मान लिया है। लेकिन माँ, जय तो हमेशा मुझसे दूर। जानती हूँ मैं, वो मेरी वजह से खिंचा खिंचा रहता है। जब तू उसे ये बताएगी कि मैंने हाँ कर दी है, वो जरूर मान जाएगा। तू कह तो मैं बात करूं उससे? नहीं माँ, गुजरा कल तो मिट चुका है, इसलिए आने वाले कल को मैं साफ साफ देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि जय के मन में क्या है, इसलिए उसे एक खबर मैं सुनाऊंगी। अंशु, माँ बुलाएगा ना? बोलना तो शुरू करे, तुझे ही माँ कहेगा। तुझे माँ मिल गई है, तुझे माँ मिल गई है अंशु। टिया की जिंदगी एक कोरा कागज नहीं है मां, उस पर खून के धब्बे मेरी वजह से लगे। आज वो मुझसे प्यार करती है, असलियत जानेगी तो अपनी खुशी के लिए मैं गुजरे हुए कल को नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। लेकिन एक दिन सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने की दुआ मांगी थी तुमने जय। अरे टिया, तुम आज रब ने तुम्हारी और मेरी हम दोनों की बात सुन ली है जय, नहीं समझे? माँ ने हम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी है जय। अब मेरे हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी लगेगी, मेरी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? देखो जय, अपनों को खोने के बाद आदमी जीना तो नहीं छोड़ देता ना। हादसा हम दोनों के साथ हुआ है जय, बस मैंने अपनी तकलीफ का एहसास कभी जताया नहीं। एक अंधेरी गली में भटक रही हूं जय, सिर्फ एक दिए के सहारे, और वो दिया तुम हो जय। तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगे, कोई नहीं समझता मेरी मजबूरी। किस मजबूरी की बात कर रहे हो तुम? टिया, मेरा जमीर मुझे रोक रहा है। जमीर? फिर क्यों खरीदा था वो तोहफा मेरे लिए? क्यों लिखा था उस पर मेरा नाम? दिल की बात जबान पर क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि मैं अपना अतीत नहीं भुला सकता। भूला होगा। टिया! टिया, क्या हुआ, रो क्यों रही है? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? अरे जरूरत क्या है टिया को बताने की? जो गुजर गया वो गुजर गया। तू भूल गया डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी? उसे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पागल हो सकती है वो। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, नहीं रहना मुझे जय के साथ। लेकिन अंशु का क्या होगा? उसकी फिक्र करना जय की जिम्मेदारी है। जब वो मुझे अपनी बीवी बनाने को तैयार नहीं, तो मैं उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? पर अंशु टिया राज का बेटा है, और जब उसे ये बात पता चलेगी तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? तो तू इस इंतजार में है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, वो विधवा बन जाए, नफरत करे तुझसे? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ माँ। उसे ना कहकर और तकलीफ दे रहा है तू, उसके आज और आने वाले कल की खुशियां छीन रहा है तू। शांति से काम ले बेटा, जय को मैं समझाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, दया की भीख नहीं चाहिए मुझे। लेकिन बिटिया, बिटिया, बिटिया कहा ना तुमने, तो चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त। हम जा नहीं सकते टिया। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती,
दिया, दिया, सुन, दिया, दिया, दिया कहाँ जा रही है? जय, जय, दिया गाड़ी लेके भागी है, जल्दी रोको उसे। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? मर जाने दो मुझे। जान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, छोड़ दो मुझे। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो तुम, दूसरों का जरा भी ख्याल नहीं। कोई नहीं है मेरा। ऐसी बात नहीं है टी। ऐसी बात है, सारे रिश्तेदार झूठे हैं, सब कुछ झूठ। कुछ झूठ नहीं है, तुम बस समझ नहीं रही हो। हाँ, मैं समझ अभी नहीं चाहती। टिया, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी, कोई नहीं चाहिए मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। पागल मत बनो टिया, तुम्हें जीना ही होगा, अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए, अपने बेटे अंशु। क्या कहा तुमने? अंशु, अंशु मेरा बेटा है, अंशु मेरा बेटा है, लेकिन वो तो तुम्हारे अनिता का। सच बताओ जय, वरना अनिता सिर्फ मेरी दोस्त थी, मेरी कोई शादी नहीं हुई। जिस एक्सीडेंट में तुम्हारी यादाश्त गई थी उसमें अनिता ही नहीं, राज की भी मौत हुई थी। राज? कौन राज? तुम्हारा पति। मेरा पति? हाँ टिया, तुम्हारी शादी राज के साथ हुई थी, तुम और राज गाड़ी में थे, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी। मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार, मैं हूँ जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, मैं हूँ जिसकी वजह से अंशु ने अपना पापा खो दिया। अंशु मेरा नहीं, तुम्हारे और राज का बेटा है। अंशु मेरा बेटा है। डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था, इसलिए इसलिए मैंने झूठ कहा तुझसे, तेरी जिंदगी के लिए, तेरी जिंदगी के लिए टिया, मैंने झूठ कहा। मैंने तो अपनी बेटी और नवासी के लिए सब कुछ किया है, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी तो चेहरे दी है, अपने हिस्से से ज्यादा सजा काटी है उसने। और फिर भी अपने दिल की बात नहीं बताई होगी। डैड प्लीज। नहीं, आज बताने दे मुझे। जानती हो टिया, इसने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुमसे, और आज ही नहीं तुम्हारी शादी के पहले से। पर ये अपने दिल पे पत्थर रखकर जी रहा है, इस उम्मीद में कि शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और तुम इसे इसके किए की सजा सुनाओ। वो हादसा मेरी किस्मत में लिखा था जय, तुमसे नहीं होता तो किसी और से होता। फिर भी अगर मेरे कहने पर तुम्हारे दिल से बोझ उतरता हो तो मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू डियर,
बेटी कहाँ जा रही हो? अंकल, सब कुछ सुनकर भी, सब कुछ जानकर भी मुझे अपना बिता हुआ कल याद तो नहीं आया, पर आज मैं जानती हूँ कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, एक विधवा हूँ। लेकिन टिया, नहीं जय, प्लीज, तुमने मेरी वजह से बहुत सहा है, अब तुम और नहीं सहोगे, नहीं सहोगे। रुक जाओ टिया, तुम्हें मेरी कसम। टिया, आज तुम सिर्फ अपनी तरफ देख रही हो, अपना बच्चा देख रही हो, लेकिन कल तक तुम्हारी नजरों में मैं एक शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था, फिर तुमने ये सब कुछ तब क्यों नहीं सोचा टिया? जानती हो क्यों टिया? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। आज अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूं और तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा तो जी, प्लीज। आज अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं अंशु को बाप का प्यार देना चाहता हूं, उसे अपना नाम देना चाहता हूं, तो मुझे शादी करोगे? अंशु का अपना पापा।